हाय एवरीवन, आई एम पुरुषोत्तम कुमार। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास टेंथ की इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नेचर की हर एक चीज़ से प्यार था और नेचर से रिलेटेड वो अपने विचार प्रकट करते हैं अपने पोएम के माध्यम से। और इसमें जो सुपरस्टिशंस होते हैं उनमें जो लोग बिलीव करते हैं, जो निगेटिव थॉट होते हैं या नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, उनको उन्होंने पॉजिटिव अपनी पोएम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। द फर्स्ट स्टेंजा है आपका, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसमें इस स्टेंजा में वो क्या बता रहे हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से एक क्रो मतलब एक कौवा सूक डाउन ऑन मी मतलब हिला कर गिरा देता है द डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ़ है, बर्फ के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लेखक के ऊपर गिरा देता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक जो ट्री है उसके पत्तियों के ऊपर या लीफ के ऊपर बर्फ मतलब जमी हुई थी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। और वो जब कौवा आकर बैठता है या लेखक उसके उस पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं या फिर कौवा आकर बैठता है या फिर मतलब वो पहले से बैठा हुआ था वो उड़ता है, तो ये मेंशन इसमें नहीं किया गया है। लेकिन जब ऐस कौवे के द्वारा मतलब वो उस वृक्ष की या पहले पेड़ की शाखाएं जब हिलती हैं कौवे की वजह से, तो उनके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण उनके शोल्डर मतलब कंधे पर गिर जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर कौवे के बारे में मेंशन किया है। कौवा भी एक नेगेटिव करेक्टर है और हेमलॉक ट्री जो है ये भी एक नेगेटिव करेक्टर है, क्योंकि ये दोनों सिंबल ऑफ डेथ है। क्योंकि ये किसी न किसी ऐसी चीज़ को अनहोनी के बारे में बताते हैं, जो अनहोनी चीज़ हमारी जो नेगेटिव करेक्टर्स होते हैं उनको शो करने के लिए क्रो हेमलॉक ट्री को इसमें अपनी पोएम में इन्होंने ऐड किया है ऐसे नेगेटिव करेक्टर्स को। तो क्रो जो होता है ये भी मतलब अगर सुबह सुबह या आपके सर पे से निकल जाए या कुछ ऐसे आपके ऊपर आकर बैठ जाए तो ये मतलब बताया जाता है ये मतलब बैड ओमेंस हैं या फिर सुपरस्टिशन, और लोग जो होते हैं वो इसमें बिलीव करते हैं। इन्हीं को इन्होंने पॉजिटिव दिखाने का काम किया है। चलिए देखते हैं इनका सेकंड स्टेंजा क्या है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें इन्होंने क्या बताया है, जब बर्फ के पार्टिकल्स जो है वो उनके शोल्डर्स पे गिरते हैं, छोटे छोटे कण जो थे डस्ट ऑफ स्नो वो उनके ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मूड था, उनका जो मन था वो मतलब नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोच रहा था वो बदल जाता है उनके। से सम पार्ट ऑफ ए डे आई है रूड। तो और इस तरह से जब उनका मूड चेंज हो जाता है तो उनका जो दिन अभी तक जितना मतलब बेकार हो चुका था वो सोच कर अपना रिग्रेट फील करके उन्होंने अपना दिन जो था वो बेकार कर दिया था। और जो बचा हुआ दिन था बर्फ़ के टुकड़े उनके शोल्डर्स पर गिरने से उनका मूड जो था वो चेंज हो गया, और जिससे उनका जो दिन था बचा हुआ वो बेकार होने से या बर्बाद होने से बच गया। तो इन्होंने इसमें अपनी पोएम में ये बताया है कि ये हम मतलब हम लोगों को एक सीख दे रहे हैं अपनी पोएम के माध्यम से, कि जो हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं या बैड ओमेंस होते हैं या फिर कोई भी मतलब नेगेटिव करेक्टर्स हों, उन सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव करेक्टर भी कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो चलिए इसकी शॉर्टली हम समरी हिंदी में जान लेते हैं बिना देरी के, जिससे कि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता बर्फ़ की धूल यह सब एक व्यक्ति के दिमाग के अचानक मोड़ के बारे में है। कवि एक घटना के बारे में लिखकर इस स्थिति की व्याख्या करता है, जब कवि बहुत दुखी मनोदशा में हेमलॉक पेड़ की छाया में बैठा था, वह शायद अपने जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अचानक एक अजीब और अप्रत्याशित घटना घटी। एक कौवा पेड़ की शाखा में बैठ गया और उसके बैठने की वजह से बर्फ़ की धूल जो शाखा पर पहले से ही थी कवि पर गिर गई, और उस घटना ने एक अजीब अंतर पैदा कर दिया जो कवि की मानसिकता में आया। वास्तव में क्या हुआ कि कवि की भावना अचानक बदल गई और काफ़ी समय नष्ट करने के बाद उन्होंने बाकी समय का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स
आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और आपके जो थियोरिकल इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं सेकंड वीडियो में इसके करवा दूंगा। ओके, बाय बाय।